तो यार देखो, iOS 13 इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर तो चाहिए चाहिए, जो कि सबके फ़ोन में होता ही है। ठीक है, करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाओ। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली से सर्च करो iOS 13। iOS 13 सर्च करो, सेकंड नंबर के लॉन्चर को डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन के अंदर। जाओ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यार इसको 1,00,000+ लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा ये लॉन्चर है, इसे मैंने इस्तेमाल करके देखा है, तभी मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉल के बटन पर दबाओ। दोस्तों 1 सेकेंड लगेगा इंस्टॉल होने में। ये हमारी हो चुकी है, अब ये हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद यार ओपन करिए यार, और ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। बैकग्राउंड में नॉइस हो गया यार, उसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ क्षमा यार, जरूर से जरूर क्षमा कर देना। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कीजिए और यार आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। iOS 13 के अंदर जितने भी यार आपके पास वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, आपको सारे इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। जौन सा आपको वॉलपेपर पसंद है उसको सिलेक्ट कीजिए और अपना गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से डिनाई कीजिए। ठीक है, डिनाई करिए। उसके बाद ओके इनेबल नाउ पे क्लिक कीजिए। प्रीमिट ड्राइंग ओवर द अदर ऐप को इनेबल कीजिए। उसके बाद बैक कीजिए, 1 सेकंड रुकिए, फिर ओके इनेबल नाउ पे क्लिक कीजिए। एक टैप करिए स्क्रीन पे, उसके बाद iOS लॉन्चर को इनेबल कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक करिए, 1 सेकंड रुकिए, उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों डोंट आस्क अगेन करने के बाद डिनाई कीजिए। उसके बाद आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे रिमेंबर माई चॉइस करके iOS लॉन्चर पे क्लिक कर दीजिए, फिर 3 बार स्क्रीन पे टैप कीजिए, तो आपका ये परफेक्टली हो जाएगा। तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में भी कोई कमी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको क्या कहूँगा दोस्तों, आप जैसे ही नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यस करना है, अलाउ मॉडिफिकेशन सिस्टम सेटिंग। उसके बाद दोस्तों आप अपनी ब्राइटनेस इस्तेमाल कर पाओगे, ज़्यादा कम कर पाओगे नीचे से ही। तो यार काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, साउंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यार मेरे हिसाब से तो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा है लॉन्चर। यार MIUI 10 से हट के यार काफ़ी दिनों बाद कोई ऐसा लॉन्चर निकल के आया जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी और यूज़ करने में भी। यार क्षमा चाहता हूँ, बैकग्राउंड में नॉइस होगा, काफ़ी ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ मैं अपने आप से और आपसे भी। ठीक है, क्षमा जरूर से जरूर कर देना भाई। ठीक है, तो देख सकते हो ये iOS 13 का हमारा वो है सेटिंग की, iOS लॉन्चर की सेटिंग है हमारी। यहाँ पे जाके हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल इफेक्ट मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो, कोई सा भी, अल्फा, क्यूब, डेप्थ, फ्लिप, कोई सा भी लगा सकते हो, जोन सा आपका मन करे वो लगाओ और यहाँ से रेडी कर दो। ठीक है, मैं दोस्तों अल्फा सेलेक्ट करता हूँ। अल्फा सेलेक्ट करने के बाद क्रॉस कीजिए और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे ऑप्शन आप जाना, चेक करना और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद बैक करता हूँ दोस्तों। बैक करने के बाद आपको दिखाता हूँ जो मैंने अल्फा सेलेक्ट करा था वो कितना बढ़िया तरीके से लग चुका है, कोई कमी नहीं है यार। ठीक है, तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिलीट करना हो, बेकार लग रहा हो तो उस पर टैप कीजिए और अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यार यही था यार, देखो मैं क्या कहने वाला हूँ आपको, बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना और यार वीडियो को 1 लाइक तो जरूर से जरूर बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।